तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं पहुँच चुके हैं और ये तीसरा पहाड़ है और मैं पहाड़ के समतल पे खड़ा हूँ। ये सारा प्लेस है, यहाँ लोग आते हैं काफ़ी, पिकनिक भी मनाते हैं यहाँ पर आके खाते। इनका पहले एक घोड़ा निकलता था ये बाबा शहीद बाबा अपने ज़माने में, रात के 2 बजे या 1 बजे जो भी हो, उनको बहुत लोग देखे भी हैं। ये लोग तो गुजर चुके हैं, हाँ, तीन पहाड़ों के लोग, बूढ़े लोग। ये कितना साल पहले की बात कर रहे हैं ये आप? मतलब 30-40 साल के पहले की बात, 40 साल पहले की गाइस बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक शहीद बाबा जो अपने घोड़े पे यहाँ पर पूरा सवार होके निकलते थे। और हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एनजेन ब्लॉग। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस आज हम आ चुके हैं तीन पहाड़ और देख सकते हैं गाइस यहाँ तीन पहाड़ है और ये आप, मैं बता दूँ गाइस ये तीन पहाड़ नाम है स्टेशन का, हिल स्टेशन है। और यहाँ पर तीन पहाड़ हैं जो आप देख सकते हैं, इधर तीन पहाड़ यहाँ पर है और ये तीन पहाड़ काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर तीन पहाड़ गाइस, यहाँ घूमने की काफ़ी अच्छी जगह है और आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ काफ़ी घूमने की अच्छी जगह है। और यहाँ पर गाइस बहुत बाहर से लोग आते हैं, बंगाल से, बिहार से और भी बाहर से आते हैं लोग यहाँ घूमने के लिए। काफ़ी फेस्टिवल जब होता है, नए साल या बड़ा दिन या 26 जनवरी कोई भी चीज़ फंक्शन हो या ईद हो या कुर्बानी हो, यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर पहाड़ पे। तो आज हम बहुत दिन बाद, और मेरा घर भी, मैं बता दूँ मेरा घर भी यहीं पर है। गाइस अभी हम लोग यहाँ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गाइस कैसा है यहाँ का तीन पहाड़। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर कितना कठिन रास्ता है और हम लोग कठिन रास्ता पे चढ़ रहे हैं ऊपर में। यहाँ पहाड़ काफी पथरीला जगह है, तो आगे टान भाई, आगे टान गिर जाएंगे। तू किधर से लेके आ गया? उधर से जाना चाहिए था हम लोग को, इधर से हम लोग को जाना चाहिए था गाइस। आइए लेके आ गया हम लोग को, देखिए इधर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काफ़ी पथरीला जगह है, अभी हम लोग को ऊपर जाना है और फिर ऊपर जाके पहाड़ चढ़ेंगे हम लोग। बहुत दिन बाद पहाड़ चढ़ रहा हूँ यार, आदत छूट गई है पहाड़ चढ़ने की, बगल में रहते हुए पहाड़ चढ़ नहीं पाते हम लोग। चलो वाह, तो फाइनली गाइस ऊपर आ गए, आप देख सकते हैं। थक गए, बहुत थक गए यार, बहुत थक गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग को इधर जाना है गाइस, पूरा अभी जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जाना है, उधर जाना है। तो अभी एक्सप्लोर करना है बहुत कुछ और आप सबको दिखाना है यहाँ का पहाड़ का क्या नज़ारा है अभी के टाइम पर। मौसम के हिसाब से हर कुछ चेंज होता है पहाड़ पर, आप जानते हैं नेचर जो है वो चेंज होता रहता है। बरसात का कुछ अलग माहौल रहता है देखने के लिए और ठंड का कुछ और, गर्मी का कुछ और। तो अभी यहाँ से हम लोगों को जंगल से पार करके जाना पड़ेगा, देखते हैं गाइस कितना घना जंगल। देख सकते हैं गाइस कितना घना जंगल है, यहाँ से हम लोग अभी पार करना पड़ेगा और जस्ट ऊपर जाना पड़ेगा, अभी बहुत ऊपर है यहाँ से। अभी तो शुरुआत किए हैं अभी हम लोग, अभी शुरुआत है किए हैं अभी लोग यहाँ हम लोग, और अभी ये थक गए, अभी तो आगे का सफ़र बाकी है गाइस। तो चलिए कितना जंगल है देख सकते हैं गाइस, कितना जंगल है यहाँ, पूरा मारते तोड़ते हुए हमको जाना पड़ता है। आगे चल रहे हैं लोग, पहाड़ पे रास्ता खोजना काफ़ी कठिन बात है और यहाँ रास्ता को बनाना पड़ता है, बनता नहीं है, बनाना पड़ता है रास्ता को, खुद से मंजिल को तय करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है ऊँचाई की तरफ। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊँचाई और मिलते हैं गाइस वहीं पर, तो बने रहिए हमारे वीडियो पे।
से अभी हम थोड़ा ऊपर में आ गए हैं और अभी ऊंचाई बाकी है और यहाँ बहुत कुछ है देखने को, तो आपको सबको दिखाऊंगा। और यहाँ पिकनिक स्पॉट भी है, जो नया साल 1 जनवरी ऐसे भी लोग आके पिकनिक मनाते हैं यहाँ पर। और मेरा मकसद यही है कि मैं पिकनिक स्पॉट को दिखाऊं, और भी पिकनिक स्पॉट का वीडियो आने वाला है हमारे चैनल पे, तो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो गाइज अभी हमारे दो अनमोल रतन कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रिश्ते में बेटा लगते हैं, एक तीन पहाड़ से हैं और एक बंगाल से है। तो पहले इनका इंटरव्यू लेता हूँ, पहले पूछता हूँ ये, तो ये बता दीजिए नाम अपना। हे गाइस, आई एम असमाउल हक फ्रॉम सुजापुर वेस्ट बंगाल। आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एंड आप लोग सब बढ़िया है? तो गाइस, तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ के पहाड़ पे? मज़ा आ रहा है ना? चलो चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते, मज़ा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है, कभी पहाड़ पे तो चढ़े नहीं उधर। सूरज को देख सकते हैं ये कितना ऊपर है, और जस्ट ऊपर चढ़े हैं अभी, अभी ऊपर बाकी है। और ये आपको रहा कुछ तीन पहाड़ का व्यू जो आप गाइस देख सकते हैं, ये काफ़ी तीन पहाड़ का व्यू है जो इतना सारा घर है। एक सीधा रोड है और उस पर ही घर बना हुआ है। ये आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ये मार्केट है, और ये घर है वो देख सकते हैं, गुलाबी जो है उसके आगे मस्जिद है, मीनार है, उसके बाद रेलवे स्टेशन है गाइस, और इधर कब्रिस्तान का ब्रिज है, और इधर ही हमारा घर है। और तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ देख सकते हैं पहुँच चुके हैं, और ये तीसरा पहाड़ है, और मैं पहाड़ के समतल पे खड़ा हूँ। ये सारा प्लेस है, यहाँ लोग आते हैं काफ़ी, पिकनिक भी मनाते हैं यहाँ पर आके, खाते पीते हैं, घूमते हैं और मज़ा करते हैं, फिर जाते हैं। तो अभी देख सकते हैं ये कितना प्लेन है, यहाँ से फिर अभी हम लोग तीसरा पहाड़ देख सकते हैं गाइस, यहाँ से जस्ट ये तीसरा पहाड़ है गाइस, यहाँ भी लोग ऊपर जाते हैं। कोशिश करूँगा मैं गाइस ऊपर जाने के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग उधर, आप दिखा सकते हैं कैमरा मैन फोकस करिए उधर, इधर आप दिखा सकते हैं गाइस, देख सकते हैं वहाँ मज़ार है, एक लोग भी है कुछ वहाँ पर, तो चलिए हम लोग उनसे बात करते हैं और देखते हैं वहाँ पर, इधर से आते हैं फिर गाइस, फिर यहाँ चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, और मुझे तो बहुत प्यास लगी है गाइस, और अभी तीसरा पहाड़ भी है यहाँ पर, हिम्मत नहीं कर रहा चढ़ने के लिए, आगे बढ़ेंगे और कुछ यूनिक व्यू दिखाना है आपको। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो जगह है, इम्पोर्टेंट जो सीन है उसको मैं कैप्चर करूँ और आपको दिखाऊँ, यहाँ बाद में जाऊँगा आगे, अभी अभी का उधर का सफ़र कुछ बाकी है गाइस, अभी यहीं तक हूँ। और सूरज भी देख सकते हैं ढलने वाली है थोड़ा देर में, और ये कुछ अंधेरा हो जाएगी यहाँ पर कुछ देर बाद, और व्यू तो काफ़ी खूबसूरत है गाइस, यहाँ पर आप व्यू को देख सकते हैं, ये जो पूरा तीन पहाड़ का व्यू है आप, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ से आप, पूरा तीन पहाड़ मेरे कैमरे में कैप्चर है, और उधर खेत पूरा तीन पहाड़ कैप्चर है गाइस। We'll be right back.
जब हम पहाड़ पे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं एक मज़ार है और यहाँ एक आम गाछ है जो तीन पहाड़ का फेमस आम गाछ है। यहाँ के बच्चा बच्चा जानते हैं इस आम गाछ के बारे में और जस्ट उसके नीचे देख सकते हैं ये मज़ार है। जो पहले हम लोग आते थे तो मज़ार उस टाइप का नहीं था, पत्थर तो रखा हुआ, और अभी पूरा मज़ार का रूप दे दिया गया है। मैं सबसे पहले इनका नाम पूछूंगा, तो नाम बताइए। मोहम्मद अब्दुल सत्तार और फुदन, तीन पहाड़ चौक माला घर। जी, चौक माला पे ही तीन पहाड़ की है? यही है, यही के है, तीन पहाड़ चौक माला घर रहने वाले हैं जी। खानदानी मेरा चल रहा है यहीं से। खानदानी आपका ये तीन पहाड़? तो ये जो मज़ार है, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, तो ये जो मज़ार है तो ये मज़ार के बारे में कुछ बता दीजिए। मज़ार के बारे में यही बताएंगे कि सबसे पहले हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, पढ़ने लिखने वाले थे, तो यहाँ पर आते थे तो लोग सिन्नी उन्नी लेकर आते थे, हम लोग भी आते थे यहाँ, दुआ फतिया करते थे तो मन्नत पूरा हो जाया करता था, तो सिन्नी लेकर आते थे, अगरबत्ती जलाते थे। और बहुत दिनों से ये मज़ार पहले सैंपल था, अब मैंने 10 साल से मैंने मज़ार के रूप दे दिया गया है। इनका नाम है हजरत शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। ये शहीद बाबा के नाम से जाना जाता है? शहीद बाबा के नाम से जाना। तो ये मतलब कैसे इनके ऊपर मतलब श्रद्धा बढ़ी, या कैसे आप लोगों को मतलब पूरा यकीन होता है ना कि हाँ यहाँ आने से मन्नत पूरी होती है? हाँ। या कुछ तो हुआ होगा, कुछ उस टाइप का घटना घटी होगी तो मालूम चला होगा? नहीं, देखिए बूढ़ा पुराने लोग का कहना है कि इनका पहले एक घोड़ा निकलता था ये बाबा शहीद बाबा अपने ज़माने में, रात के 2 बजे या 1 बजे जो भी हो, उनको बहुत लोग देखे भी हैं, लोग तो गुजर चुके हैं। हाँ, तीन पहाड़ के लोग, बूढ़े लोग। ये कितना साल पहले की बात कर रहे हैं? ये आप मतलब 30-40 साल के पहले, 40 साल पहले की गाइस बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक शहीद बाबा जो अपने घोड़े पे यहाँ पर पूरा सवार होके निकलते थे और घूमते थे। हाँ। तो इनका कहना है कि कुछ लोग इनको देखे भी हैं, बात भी तो यकीन है इनको उस पे। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और जस्ट ऊपर चढ़ेंगे। गाइस हम लोग अभी ऊपर चढ़ना है और अभी बहुत कुछ बाकी है चढ़ देखने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग पिकनिक स्पॉट देखते हैं गाइस यहाँ से, और आपको दिखाते हैं यहाँ का पिकनिक स्पॉट। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं कितना जंगल है। अभी हम लोग जस्ट मज़ार से बाहर निकले हैं और चढ़ रहे हैं ऊपर में पहाड़ की चोटी पे, और हम लोग बहुत ऊंचा में खड़े हैं, काफ़ी ऊंचा है गाइस यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं और कुछ भैया लोग बैठाए हैं यहाँ पर जो यहाँ तीन पहाड़ के पहाड़ घूमने आए हैं। तो कहाँ से आए हैं भैया? पीरपैती से। ये बिहार से ना? तो आप लोग हमेशा आते हैं क्या यहाँ पर? हाँ। गाइस बोल नहीं सक रहा, आप रहा हूँ, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं। इधर आ, इधर इधर आओ तुम लोग, इधर छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं, ये लोग भी घूमने के लिए आए। खास पहाड़ घूमने आए भैया? खास पहाड़ घूमने आए थे आप? नहीं। तो रिलेशन है यहाँ पर, तो पहाड़ भी घूमने के लिए आ गए ना? मतलब यहाँ कोई मेहमानी करने के लिए आता है तो पहाड़ जरूर आता है घूमने के लिए, उसी तरह भैया भी घूमने के लिए आ गए। तो कहाँ कहाँ घूमे अभी? बस यहीं, अभी तो जस्ट चढ़े। अभी जस्ट चढ़े, किधर से चढ़े आप? इधर से। इधर भी रास्ता है चढ़ने के लिए? इधर से रास्ता। तो उधर से भी बट हम लोग बना, रास्ता बनाना पड़ता है। मैंने गाइस बोला था ना कि यहाँ पर रास्ता मिलता नहीं है, रास्ता बनाना पड़ता है खुद चढ़ने के लिए। तो अभी नीचे का नज़ारा देख सकते हैं गाइस, इधर नीचे का नज़ारा देख लीजिए। और गाइस तो चलिए चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। चलो 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 जल्दी, पिकनिक स्पॉट दिखा रहा हूँ गाइस। तो अभी आपको पिकनिक स्पॉट दिखा रहा हूँ गाइस। आप वो प्लेन जगह देख सकते हैं जहाँ समतल है, वो पिकनिक स्पॉट है जो यहाँ हर साल पिकनिक मनाया जाता है। तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ गाइस, ये पिकनिक स्पॉट है। और यहाँ का जो एरिया है, यहाँ से लेकर पूरा एरिया जो गाइस यहाँ पर एरिया है, ये सारे में पिकनिक मनाया जाता है। यहाँ पर 1 जनवरी में लोग आते हैं यहाँ, और उसका रास्ता यहाँ से है। और यहाँ घर और भी बन गया, पहले घर बना हुआ नहीं था, अब घर और बन गया। और आगे मैं चलता हूँ गाइस, तो ये देख सकते हैं वो रोड है, यहाँ से हाथीगढ़ कहा जाता है इसको, जो आपका इधर बैंक है, स्कूल है, और एक मोहल्ला भी है जिस हाथीगढ़ के नाम से कहा जाता है। और ये हमारा देख सकते हैं गाइस, यहाँ ईदगाह है जो हर ईद में कुर्बानी में यहाँ नमाज होती है।
गाइस अभी हम लोग चलते हैं नीचे और अभी शाम होने वाली है। हम लोग तीन पहाड़ के पहाड़ को एक्सप्लोर कर लिए, घूम लिए, देख लिए, बहुत कुछ देखने को मिला जो नया नया चीज़ है अभी मिला, और काफ़ी जंगल भी है, काफ़ी नेचर को देखने मिला। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं नीचे क्योंकि शाम होने वाली है गाइस, और यहाँ पर उतरने का में टाइम लग जाएगा आधा घंटा कम से कम। तो अब यहाँ से निकलते हैं गाइस। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और कमेंट करके बताए कैसा लगा हमारा तीन पहाड़ का पहाड़। तो अगर आप भी आएँ तो आपको डिटेल पूरा दिया गया है, आप यहाँ आ सकते हैं गाइस और घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। जैसे ये आए हैं तो आके मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये बंगाल से आए हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग पे, न्यू प्लेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।